हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो फिलहाल अभी मेरी कार जो है लैम्बोर्गिनी, वो हमारे गैराज में खड़ी हुई है। तो अभी हम आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ मिशन। इस वीडियो में हम करेंगे मिशन भी और मजे भी। और फिलहाल ये देखो, हमारे गैराज में हमारी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। तो हम जाएंगे अब घूमने बाहर। जल्दी जल्दी से हम अपने कार में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर यार ये देखो, क्या ही साउंड है और क्या ही लुक है, मतलब कि अलग ही मज़े हैं। अभी हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब कि राउंड मारने। तो हम राउंड मारेंगे, राउंड मारने के बाद फिर जाएंगे हम मिशन पे, फिर अलग ही मज़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं राउंड मारूंगा और ऊपर वाली साइड में इस कार को चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी मैं ये कार को आराम से चलाऊंगा, क्योंकि ये कार का ठुकने में अलग ही खतरा रहता है। बाकी ठुकती है ना तो टूटी हुई लैम्बोर्गिनी बहुत अजीब सी लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। ओहो भाई साहब, क्या पिकअप है। हल्की सी स्पीड में नोटिस करना, जब मैं इसकी स्पीड देता हूँ ना तो ये अलग ही उड़ती है गाड़ी, क्या ही बोले। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एक राउंड मारूंगा, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे किसी मिशन पे। ये काफ़ी अच्छा एरिया लगता है मुझे, मतलब कि ये एरिया जो है ये शिमला टाइप का लगता है, मतलब कि जो लोग शिमला गए होंगे उनको पता होगा, ये एरिया शिमला जैसा लगता है। अब मैं ये कार को बहुत तेज़ चलाऊंगा, चलाने में अलग ही मज़ा आएगा, मतलब कि फुल स्पीड में। वाकई में ये कार बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट चलती है और कंट्रोल में इसको कर नहीं पाता। तो अभी मैं तेज़ भगा रहा हूँ। ओ भाई साहब, मुझे इसका साउंड सुनना है, मज़ा आएगा इसका साउंड सुनने में। ये मैंने तेज़ भगा लिया भाई, अलग ही मज़ा है साउंड सुनने में। और तुम लोगों ने अलग ही जाम लगा रखा है, एक लाइन पर चल लो, दो लाइन पर चल लो, तुम क्या पूरी चारों लाइन पर चल लो। कम से कम थोड़ा बहुत स्पेस हमें भी दे दो निकलने का, क्योंकि हमारी कार बहुत तेज़ है। ओ भाई साहब, ये क्या कार है, कसम से अगर ये कार मुझे मिल गई ना तो कसम से मज़े आ जाएंगे। मेरी गाड़ी की अलग ही लुक है भाई साहब, ये देखो चलाने में अलग ही मज़ा आ जाएगा। ओ भाई साहब, मैंने इस कार का नाम अभी तक पढ़ा नहीं है। बहुत सारी कार मैंने देखी है, अवेंटिज देखी है, यूरेकन देखी है, वैनोन देखी है, लेकिन ये कार का अभी तक मुझे सही से नाम मैंने नहीं पढ़ा। फिर ये कौन सी बात है, अभी मैं इस कार का लुक देख के इसका नाम बताता हूँ मैं आपको। तो इस कार का नाम है लैम्बोर्गिनी साइन SK P37। तो भाई GTA 5 में ये कार की सुपर कार में से लिस्ट है इस गाड़ी की। और मैं ना बंदों का रिएक्शन देखूँगा कि उनके पास लेके जाऊँगा ये कार को, फिर क्या होगा, उनकी एपिक रिएक्शन कैसी होगी, मुझे सबका पता है। और भाई साहब, क्या लुक है इस कार का, मन ही नहीं कर रहा है मेरा कुछ और करने का, बस मेरा मन कर रहा है मैं इसी कार को चलाता रहूं। फ्रैंकलिन की वजह से हमें KTM बाइक भी मिल गई। ओह, KTM बाइक तो मैं वापस छोड़ के आ गया पार्किंग में। तो चलो भाई, KTM छोड़ो, नई बाइक भी हम खरीद लेंगे। मैं इस कार को चलाता रहता हूं, क्योंकि मुझे ये कार को ठोकना नहीं है, इसका मतलब मुझे ये कार आराम से चलानी पड़ेगी, क्योंकि ठोकना नहीं है मुझे। अभी मैंने इस कार में बहुत पैसे लगाए इसको रिपेयर करवाने में, क्योंकि ये कार पानी में डूब गई थी, बारिश का पानी में। ओके भाई, क्या पिकअप है यार इस कार का, और इसका साउंड मुझे बड़ा प्यारा लगा। इसमें ये देखो नीचे की लाइट कितनी प्यारी लग रही है, इस कार को देख कर ही बहुत मज़ा आ जा रहा है मुझे। ज़बरदस्त कार है ये, मेरी तरफ से 100 में से 100 नहीं 1000 नंबर है इस कार का। और ये जो माइकल है, हमने इसको इतना अमीर बना दिया, मतलब कि हमने इसको पूरी सिटी का सबसे अमीर बंदा बना दिया हमने इसको, मतलब कि कपड़े भी इतने महंगे पहना दिए हमने इसको, और कार जो है लैम्बोर्गिनी ये भी इसको इतनी महंगी मैंने कार इसको मैंने दिलवा दी, मतलब कि सारी सिटी की कार में से सबसे अलग लगती है ये कार हमें लैम्बोर्गिनी। क्या लाइटनिंग है इस कार की, मज़ा आ गया। और मैं अब पता नहीं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं किसी माउंटेन के ऊपर आ गया घूमते, मतलब कि मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, मैं बस राउंड लगाने निकला था और मुझे ये कार चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकला। और वहाँ पे पता नहीं मैं भगाते भगाते इस कार को यहाँ तक पहुँच गया।
फिलहाल यहाँ पे रात हो रही है, बहुत अंधेरा है, यहाँ पे कोई सुमसान है, मतलब कि यहाँ पे कोई है नहीं, सुमसान एरिया है, मैं बस यहाँ पे पूरे माउंटेन में अकेला हूँ। अब पता नहीं यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है, मैं पता नहीं कहाँ पे आके भटक गया, मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कुछ सीन है, यहाँ पे कुछ नज़ारा देखते हैं आगे का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन दिखाई दे रहा है हमें, मतलब कि क्या ग्राफिक है, बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक है, मज़ा आ रहा है देखने में। और ये क्या सामने, पूरी की पूरी सामने मुझे दिखाई दे रही है GTA 5 की सिटी, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मज़ा आ रहा है मुझे। अगर आपने ये गेम नहीं खेला तो समझ लो आपने कुछ भी नहीं खेला, वाकई में गजब का गेम है ये, मज़ा आ गया मुझे। तो हम ऐसा करते हैं, वापस अब जाते हैं अपने मिशन पे। अब मुझे पहले देखना पड़ेगा, मुझे वापस न्यूटन लेना पड़ेगा आगे बढ़ते बढ़ते। तो चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन है सामने, ओ भाई सामने कौन है, क्या है सामने, वाइट वाइट कुछ है, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। ये मैंने जूम करा, अब ये तो भूत नहीं है, ये कहाँ से आ गई यहाँ पे, ये यहाँ पे कहाँ से आ गई, ये कैसे आ गई, ओ भाई साहब डर लग रहा है। एक बार हम इसके पास जाके देखते हैं, ज़रूर ये घोस्ट गर्ल ही है, मतलब कि भूतनी। भाई 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 ये मारेगी तो नहीं हमें, मारेगी हमें क्या। एक बार आगे बढ़ के हम इसके पास जाके देखते हैं, अब गायब हो गई, ये कहाँ गई, कहाँ चली गई, और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, जैक या जॉक। मुझे लगता है कि ये ना खून से लिखा है, जॉक या फिर जैक, हो सकता है इसका हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड, उसने इसको यहाँ से फेंका होगा, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई होगी, उसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। भाई साहब ये तो हॉरर गेम बना दें इन्होंने, हॉरर गेम। ये फिर से आ गई, अबे नहीं नहीं नहीं, अबे 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 मैंने इसको गोली मारी थी लेकिन इसको कुछ असर नहीं हुआ गोली लगने के बाद भी। तो चलो भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस GTA 5 में एक भूत भी है, वो भी इतने सुमसान एरिया में। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ, वो भूतनी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो हमें पकड़ लेगी। अबे वो तो हमें वापस खींच रही है अपने पास, अबे नहीं नहीं नहीं, भाग भाग भाग, पल हमारे पास Lamborghini है, डरने की जरूरत नहीं है, वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ओ भाई साहब सुनो मेरी बात, यहाँ पे कोई भूत नहीं है, यहाँ पर एक घोस्ट गर्ल है, वो हमें पकड़ लेगी, सुनो मेरी बात सुनो, हम किसी गलत जगह पे आ चुके हैं, यहाँ पे भूत रहते हैं, सुनो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये लोगों ने यहाँ पे कैंप लगा रखा है। ओ भाई क्या, मैं गलती से आपके ऊपर आ गया और ये जल गया और ये सारे डर के भाग रहे हैं। मैंने इनको बताया कि यहाँ पे भूत है, इसलिए ये डर के भाग रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ये कार है, ये इनकी कार होगी, ये इसी कार से यहाँ पर आए होंगे। एक बार हम इनकी कार चला के देखते हैं। ये हमने इनकी कार स्टार्ट कर दी लेकिन ये कार बेकार है, ये कार इतनी फास्ट नहीं है, हमारी Lamborghini सही है, वही हम चलाएंगे। मैंने इनको बताया कि यहाँ पे भूत है इसलिए ये डर के भाग गए। तो हम भी अब यहाँ से निकल जाते हैं, ये लोग यहाँ पे कैंप इन्होंने लगा रखा था और ये यहाँ पे रहने आए होंगे। तो हमें जाना है अपने मिशन पे, यहाँ से जल्दी से हम बाहर निकलते हैं वरना वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो हमें अभी क्या हुआ था, वो हमें ना खींच रही थी हमारी कार को, फिर भी हमने शुक्र है हम वहाँ से बच के निकल गए। और ये क्या है, यहाँ पे ये भेड़ी है, भेड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा कि वो भूतनी की आवाज़ है इसलिए मैं डर के भागा। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल गया। अब मैं दोबारा उस जगह पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरा है, वहाँ पे भूत रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी वापस सिटी में आ चुका हूँ। अब हम जाएंगे अपने मिशन पे। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, शायद मैं गलत जगह पे आ चुका हूँ, नहीं नहीं सही जगह पे हम जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता था आगे जाना है हमें, थोड़ा सा आगे बस हम पहुँचने वाले हैं, तो चलो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने मिशन पे। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या मिशन है, वो हमें आगे पता लगेगा जब हम अंदर जाएंगे। तो अब अंदर जाके देखते हैं हम, यहाँ हम अंदर आ गए, अब देखते हैं, मुझे लगता है कि कोई तकड़ा मिशन होगा। और ये क्या है, गेट चेंज इनटू द स्मार्ट आउटफिट एट योर वार्डरोब और अ हैग एंड क्लॉथ शॉप टू बिगिन द मिशन। ये तो गलत बात है, ये बोल रहा है कि हमें आउटफिट चेंज करके आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मिशन कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं दोबारा से अपने कपड़े बदल के, अब देखते हैं इन्होंने कपड़े चेंज करवाए हैं
इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कोई तकड़ा मिशन होगा, क्योंकि वो पुराने कपड़ों में काम हमारा नहीं हो पाया। तो ये है डार्नल ग्रॉस, ये मुझे कोई सरकारी कारखाना लग रहा है। अब ये गंजा कौन है? मुझे लगता है कि जरूर ये हमें कोई काम का इम्पोर्टेंट मिशन देने वाला है। अब पता नहीं है कौन, इससे हम पहली बार मिले। इसने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लगता है जरूर कोई खतरनाक जबरदस्त मिशन होने वाला है, मतलब कि ये दरवाजा बंद करके अंदर आया। तो गाइस सीन क्या है यहाँ पे, ये जो बंदा है ये हैकर टाइप का बंदा है, मतलब कि ये हैकर है। इनका प्लान क्या है, मतलब कि इसने जो काम दिया है हमें, मतलब कि इसने हमें काम दिया है, इनकी एक प्लानिंग है, इनकी एक प्लानिंग है। तो हमें क्या करना है, एक ज्वेलरी शॉप है, वो बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे जाके चोरी करनी है सारी ज्वेलरी। तो यही हमारा मिशन है। तो फटाफट से हम जाएंगे, फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं, हमें वहाँ जाना है उसी ज्वेलरी शॉप में, वहाँ पे हमें चोरी करनी है। और इसकी गाड़ी जो है ये एकदम बेकार गाड़ी है, अपनी गाड़ी इतनी बढ़िया गाड़ी थी लैम्बोर्गिनी, तो हमें उसी में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या, हमें इसकी कार में जाना पड़ रहा है, बेकार कार में। और अब पता नहीं कितनी दूर है वहाँ पे ज्वेलरी शॉप, तो फटाफट से हम चलते हैं उस ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि हमें वहाँ पे जाकर चोरी करनी है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं ज्वेलरी शॉप में। ये जो बंदा है इसने हमें कुछ काम की चीज़ें बताई हैं, मतलब कि इसने हमें गॉगल दिया है, एक गॉगल चश्मा, अजीब सा, उसमें कुछ अजीब सा फंक्शन है। तो वो क्या करेगा, वो जो गॉगल है वो फोटो कैप्चर करेगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए फोटो कैप्चर करके लाना है। अब ये हैकर है, ये कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसकी कार को यहाँ पे पार्किंग कर दिया, यहाँ पे हमें कार पार्किंग करनी थी। तो अब देखते हैं क्या सीन है। तो अभी हमें जाना है ज्वेलरी शॉप में, वहाँ पर जाके हमें पिक्चर कैप्चर करनी है। यहाँ पे ये क्या लिखा है, ई एंटर टू पिक्चर, मतलब हमें ई से फोटो खींचनी है। और ये क्या है, वेंगेलिको, पता नहीं किस नाम से ये शॉप है। और यहाँ हम अंदर गए, ओ भाई ये क्या, देखो तो सही, क्या इज्जत है, हमें यहाँ पे इज्जत मिली है। पहले हम जाते हैं इस आंटी के पास, ओ भाई ये क्या, माइकल को तो देखो, क्या ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ये ना एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि ये कह रहा है कि मैं अपने वाइफ के लिए ये ज्वेलरी खरीदने आया हूँ, ये ऐसे ही इसकी ओवर एक्टिंग है। तो अभी हमें मिशन ये दिया है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैमरे की और वैंस की फोटो कैप्चर करनी है, यही हमारा काम है, मतलब कि हमें चुपचाप ऐसा करना है, क्योंकि ये काम यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम अब ऐसा करेंगे, तो हमने सबसे पहले कैमरा निकाला, यहाँ पे क्या है, फोटो टेक फोटो मूव जूम एग्जिट कैमरा मोड, यहाँ हमने ये फोटो क्लिक करी कैमरे की और वेंस की, एक ही बारे में ये क्लिक हो गई। यहाँ पे ये हमने फोटो क्लिक करी, ये हमारा काम हो गया। अब हमें वापस जाना है, एक काम करता हूँ, साइड में एक और है, इसकी भी मैं फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैंने ये फोटो कैप्चर कर ली। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर भाई इज्जत गेट खुला है हमारे लिए। तो हमें वापस कार में जाना है, वो कार में पता नहीं वो क्या सीन होगा, उसने इन लोगों को डिटेक्ट कर लिया। तो उसने हमें जो फोटो दी थी वो हमने कैप्चर कर ली। और ये कुत्ता क्या, कौन सा कुत्ता है ये, तो चलो भाई वापस हम कार में चलते हैं। अब देखते हैं क्या सीन है, क्या काम हमें करना है। अब ये बात कर रहा है, ये क्या, ये बोल रहा है कि हमें जाना है रूफ टॉप पे। तो वो कहाँ पर है, मैप में तो दिखा नहीं रहा नेविगेशन, तो हमें पता नहीं है, तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। ये क्या, तो हम पहुँच गए कंस्ट्रक्शन साइड है, तो हम अब यहाँ पर उतरते हैं। तो हमें जाना है रूफ टॉप पे। और तू यहीं पर बैठा रहे मोटे, सब जगह पे मैं जाता रहूं और तू यहीं पे बैठा रहे। अच्छा सॉरी, उसकी तो टांग खराब है, सॉरी, मुझे तो पता भी नहीं था, इसलिए वो नहीं जा रहा, वरना वो अकेले में ही
सारे कांड कर लेता। और ये क्या, ये तो हम छत पे आ गए, छत पे, यहाँ पे हमें क्या करना है अब, यहाँ हमें आगे जाना है, मतलब कि ये उस बिल्डिंग की छत है जहाँ पे वो ज्वेलरी शॉप थी। और ये क्या, यहाँ पे ये बात कर रहा है, अच्छा ये बोल रहा है कि वो जो वैंस की एयर कमिंग होती है तो हमें वहाँ पे फ़ोटो खींचनी है, मतलब कि फ़ोटो कैप्चर करनी है, मतलब कि हमें यहाँ पे और भी फ़ोटो कैप्चर करनी है। वो जो वैन है वहाँ पे जो एयर कमिंग होती है, मतलब कि एयर बाहर जाती है, हमें उसी जगह की फ़ोटो खींचनी है। तो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया, यहाँ पे हमें करना है प्रेस ई से, ये हमने कैमरा ऑन करा। तो ये वैन है, ये हमने इसका फ़ोटो मतलब इमेज हमने कैप्चर कर ली, मतलब कि एक ही बार में हमारा ये इमेज डन हो गई। तो अब हम चलते हैं वापस बस इसके पास, फिर हम गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं। वैसे इस मिशन में कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो हमारी चोरी का जो प्लान था वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब ये वाली जो चोरी है ना, ये बहुत बड़ी चोरी होने वाली है इस मिशन में, ज्वेलरी शॉप में। आपने देखा था कि वो ज्वेलरी शॉप में मतलब कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब कि हम गन दिखाकर भी ज्वेलरी को लूट सकते थे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर पुलिस का खतरा रहता है। अभी हमारा जैसा प्लान है उस तरीके से हम चुराएंगे ना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से मैं कूद जाऊँ क्या, नहीं मुझे यहाँ से जल्दी जाना है, अब मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ से लटक के जाऊँ, नहीं अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ से कूद जाऊँ, नहीं चोट लग जाएगी, इसके हेल्थ वैसी हमारी कम है। तो यहाँ से फटाफट से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, चोट लग गई, हमारी हेल्थ कम हो गई। तो अब फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं हमें क्या काम है, कौन सा मिशन करना है। यहाँ से हम निकलते हैं, अब हो सकता है हमें इसी मिशन में चोरी करनी पड़े। वैसे हमारा पहला काम जो था वो डन हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको घर में ड्रॉप करना है क्या, अबे अपने आप नहीं जा सकता क्या, तेरे पास तो गाड़ी भी है अपनी। तो हम अब यहाँ पे आ चुके हैं, हमें जाना था गारमेंट फैक्ट्री में, वो गारमेंट फैक्ट्री इसी की तो थी, इसी गंजी टांड लेस्टर की। और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, लैम्बोर्गिनी, वो गायब हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमारे गैराज में खड़ी हुई होगी। और ये क्या, ये इतनी जल्दी ये फोटो भी लेकर आ गई, जो हमने फोटो कैप्चर करी थी वो इसने निकलवा ली इतनी जल्दी। और ये जो बेचारा ये सारे काम हमसे करवा रहा है, क्योंकि ये बेचारा लंगड़ा है, तो हमें इसकी हेल्प करनी पड़ रही है, इसको सीढ़ियां चढ़नी होगी। तो यहाँ पे ये फोटो लगा रहा है, मतलब कि जो हमने फोटो कैप्चर करी थी, ये यहीं से प्लानिंग कर रहे हैं चोरी करने की। तो अब देखते हैं क्या सीन है, क्या होता है यहाँ पे। ये हमारे पास ना दो ऑप्शन है, मतलब कि एक लाउड और एक स्मार्ट, यहाँ पे मतलब कि गोलियां मार के और कुत्ता बना के उनका, लाउड तरीके से मतलब गन वन मार देंगे और पूरा कुत्ता बना देंगे सबका, ये तरीका है लाउड से। और दूसरा ऑप्शन है बी से स्मार्ट, अगर हम स्मार्ट तरीके से जाएंगे तो वो तरीका है मतलब चुपचाप जाना और हाइड, चुपके से चोरियाँ करना, मतलब ये तरीका है वहाँ पे। तो मैंने सेलेक्ट करा है बी स्मार्ट, मैं यही तरीके से जाना चाहता हूँ। तो चलो गाइस, हमारा जो फर्स्ट टास्क जो था वो हमारा पूरा हो चुका है, मतलब कि जो हमारा चोरी का प्लान था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगले मिशन में करेंगे चोरी ज्वेलरी की। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम फ्रैंकलिन के मिशन करेंगे। तो गाइस, हमने बहुत टाइम से फ्रैंकलिन के मिशन नहीं किए थे, इससे अभी काफ़ी सारे मिशन करवाने बाकी हैं। और सामने आप देख सकते हो ये बाइक है, ये हार्ली डेविडसन जैसी बाइक है, मतलब कि ये फ्रैंकलिन ने किसी बीच से चुराई थी। ये बाइक का जो साउंड है वो सुन के आप डर जाओगे, मतलब बहुत खतरनाक साउंड है इस बाइक का, साउंड है वो कार जैसा साउंड है, मतलब कि कार
मतलब कि कार जैसा साउंड है, मतलब कि इसका अलग ही साउंड है इस बाइक का। तो हम जाएंगे अब मिशन पे, अब देखते हैं इसके क्या मिशन होते हैं। इस बाइक को मैं भगाता हुआ ले जा रहा हूँ, क्या स्पीड है इस बाइक की क्या ही बोले। तो हम आ चुके हैं अपने मिशन पे। ये घर है, एक क्या घर है ये तो बहुत ही पुराना टाइप का घर है, मतलब कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई रहता होगा, बहुत पुराना। तो अब जाके देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होता है इस मिशन में। अबे ये क्या फोटो खींच लिया, ओए ओए ये क्या हुआ, मतलब कि इसकी आंखों में फ्लैश आ गई। तो ये बंदा हमें मिशन देगा, तो हमें क्या करना है, ये कैमरा मैन है, इसने हमें काम दिया है, हमें क्या करना है। तो चलो गाइस, हमें क्या करना है, वो सामने लिमोजिन की कार है, लिमोजिन नाम की कार है, तो हमें उसके पास जाना है। जो हमारे पीछे कैमरा मैन है उसको क्या करना है, उस कार में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बैठा हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको ना इसकी फ़ोटो लेनी है, उस सेलिब्रिटी की फ़ोटो लेनी है इसको, हमारे कैमरा मैन को। तो भाई जल्दी से ले ले, अबे ले ले क्या हो गया, ये मैं इसके साइड में मैं लेकर आ गया बाइक को, जल्दी से फ़ोटो ले ले, अबे आराम से ले, कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर ये चोड़ में आएंगे इसके बॉडीगार्ड तो उनको मैं देख लूँगा, तो आराम से फ़ोटो ले। तो ये फ़ोटो ले रहा है, अब एक काम करते हैं राइट में से भी ले ले फ़ोटो, ये मैं राइट में लेकर आ गया फ़ोटो को, जल्दी से ले, आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब फ़ोटो ले रहा है। अबे ये क्या, ये तो तेज़ भगा रहा है अपनी कार को, हमने 5-6 फ़ोटो क्या ले लिए, ये तो पागल हो गया, ये तो भगा रहा है, बताओ यार। अबे ये क्या, ये भी आ गए, ये कौन है, अच्छा ये भी फ़ोटो खींचने आए हैं, बताओ यार। ये बेचारे सेलिब्रिटी की ऐसी लाइफ होती है, मतलब कि इनको बाहर निकलना खतरा होता है, और ये बंदे फ़ोटो खींचने आए हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें इनको मारना है, अच्छा मारो, अभी मारते हैं, मैं इसको 1 मिनट में मार दूंगा, चल भाई ये ले, ये मैंने इसको मार दिया, ये मर गया। अबे ये क्या, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ गई, एक बंदे को हमने मार दिया और वो सामने एक बंदा और है, मतलब जो पीछे बैठा था उसको हमने मार दिया, आगे वाले बंदे को भी मारना है, चल भाई हम उसको मार देते हैं, चल भाई ये ले साले, बस तू खुश रहे, अब पुलिस ने हमारे पीछे छोड़ दिया, अब तुमने बाइक ही इतनी अच्छी दी है मुझे, अब मैं क्या बताऊं। हमने इसको वापस छोड़ दिया इसके घर पे। तो फाइनली हमारा मिशन पास हो चुका होगा अब, मतलब कि हमने ये मिशन पास होने से पहले पुलिस से पीछा छुड़ा लिया था, तो हमारा मिशन पास हो गया और हमें इसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया, इसका नाम है बेवरली। तो अब हम जाएंगे माइकल के पास, माइकल का घर हम यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, माइकल का ना वो सेट करेंगे लोकेशन, उसके बाद हम नेविगेशन को सेट करके जा सकते हैं, मतलब GPS के थ्रू। तो फटाफट से जाते हैं हम माइकल के घर पे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं माइकल के घर पे। माइकल बेटा तूने गाड़ी खरीदी है लेकिन पार्टी नहीं दी, तो चल बेटा बाहर निकल, पार्टी दे हमें अब। मैं माइकल को कॉल करके बुलाता हूँ, ये मैंने कॉल लगा दिया माइकल को, अब ये माइकल से बात कर रहा है। माइकल ने बोला है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। तो यहाँ पे हम कहीं और आ चुके हैं माइकल से मिलने के लिए। यहाँ पर माइकल है, फ्रैंकलिन भी है। तो अब हम जाएंगे पार्टी करने, तो हम इस कार को चलाएंगे अब, माइकल तो ये कार चलाता रहता है, तो अब बारी है फ्रैंकलिन की, मतलब कि ये कार चलाएगा अब फ्रैंकलिन। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है, क्या सीन है। तो हम जाएंगे अब पार्टी करने, दोनों मिलके मतलब पार्टी करेंगे। यहाँ पर मैप में बहुत सारी शॉप है, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटी है, तो हम जाएंगे बार में। हमने क्या करा, बार में वो नेविगेशन को सेट कर दिया। अब जाएंगे बार में, वहाँ पे दोनों मिलके चिल मारेंगे, ऐश करेंगे। जो बार है वो पास में है, और ये दोनों आराम से ड्रिंक करेंगे और अपना ऐश काटेंगे। तो अब हम भगा लेते हैं इस कार को, हम जाएंगे वाइन शॉप में। तो हम फटाफट से भगा लेते हैं, भाई क्या कार है, बहुत गजब कार है, अलग ही मज़ा आ रहा है इस कार को चलाने में, अलग ही ट्रैफिक में, मतलब कि मुझे ये कार चलाने के बाद कोई और कार मुझे चलाने का मन नहीं कर रहा। तो हम अब पहुंच चुके हैं किसी वाइन शॉप में, पता नहीं क्या नाम है इसका, तो हम जाएंगे अब अंदर।
तो अब ये दोनों अंदर जा चुके हैं चिल मारने का नाम, और इस शॉप का नाम है हैप्पी हार। ये तो कुछ और है, इस शॉप का नाम है सिंगल टोन, पता नहीं क्या नाम है। ओ भाई ये क्या हो गया, ये तुमने क्या कर दिया। ओए होए ये तो बहुत ही ज़्यादा इनको चढ़ गई, मतलब कि बहुत गलत चढ़ गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली, इनको चक्कर आ रहा है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, माइकल को भी चढ़ गई और फ्रैंकलिन को भी चढ़ गई, अब गाड़ी कौन चलाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए, अभी हमें फ़िलहाल माइकल को ड्रॉप करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओहो भाई साहब ये क्या हो गया इन दोनों को, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्यों पी ली। तो गाइस हम बस पहुंचने वाले हैं, मुझे गाड़ी चलाई नहीं जा रही, मतलब कि गाड़ी ओवर कंट्रोल हो रही है। तो गाइस माइकल अब यहाँ पे उतरेगा। भाई गाड़ी में बैठने से तुझे चक्कर आ रहे हैं क्या, अब ये क्या, ये कौन सी शॉप आ गई। ओए माइकल ने बोला है कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, अब माइकल चला गया, हमें क्या करना है, ये जो गाड़ी है ये हमें माइकल के घर पे मतलब छोड़ के आनी है वापस, वरना गाड़ी चोरी हो जाएगी क्योंकि ये कार बहुत महंगी है। तो मैं ये गाड़ी जाके पार्क करके वापस आ जाता हूँ। और ये क्या, और भाई साहब ये क्या, फ्रैंकलिन को नशा उतर गया क्या, ये ड्रामे कर रहा था क्या, ये गाड़ी चलाने के, देख रहे हो एकदम सही हो गया ये। जब साथ में था माइकल के तो ऐसा था ये जैसे फुल नशे में हो, और अभी इसका सारा नशा उतर गया। तो हम पहुंच चुके हैं अब माइकल के घर पे, और फ्रैंकलिन रहता है किसी सस्ते एरिया में, तो हमें उसके लिए भी अच्छा घर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि भाई फ्रैंकलिन के पास पैसा तो है वो अच्छा घर खरीद सके। तो हमने इसकी कार पार्क कर दी, अब माइकल अपने आप उठा लेगा यहाँ से अपनी कार को। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करना, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि माइकल के फ्रैंकलिन के लिए हम कौन सी बाइक खरीदें, पहले वाली जो हमने खरीदी थी वही वाली लें या कोई अलग लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।